नमस्कार, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आजकल उत्तर भारत में ठंड और कोहरा पड़ गया है, साथ साथ यात्रियों की मुसीबत भी। कोहरे की वजह से 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। यात्री 12-12 घंटे प्लेन में बैठने को मजबूर हैं। पैसेंजर की परेशानी और टेंशन, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? आज कॉलिंग कार्ड में सरकार से पूछेंगे। वैसे पूछ तो इंडिया एयरलाइंस के नेता भी रहे हैं, मायावती से। आखिर उन्होंने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? अब यूपी में बीजेपी के खिलाफ एलायंस का क्या होगा? इंडिया एयरलाइंस की बात कर रहा हूं मैं। आखिर क्यों लोग कहने लगे हैं ना माया मिली ना राम? सिग्नेचर स्टोरी में यही जानेंगे आज। बात तो उन टीचर्स की भी करेंगे जिन्हें 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी वाला नियुक्ति पत्र दिया, ये सोचकर कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि कई टीचर्स को बिहार के बारे में काफी कुछ पता ही नहीं है। आज फैक्ट फाइंडिंग में बिहार के टीचर्स से सिंपल सवाल जवाब। आज आपको मध्य प्रदेश के गुना में उसी स्कूल में दोबारा लेकर चलेंगे जहां पाठशाला में गौशाला थी। पब्लिक इंटरेस्ट में खबर दिखाई, कलेक्टर साहब हरकत में आए और जो गौशाला थी वो दोबारा बन गई रातों रात पाठशाला। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपका हालचाल पूछना है। जो घरों में रहे, लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार मनाया, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन जो फ्लाइट्स में सफर कर रहे थे, जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। कोहरे की वजह से हजारों पैसेंजर्स को दिक्कत हुई, 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और दर्जनों ट्रेनें रद्द। 2 दिन में सैकड़ों फोन आ रहे हैं मुझे भी, बार बार लोग बोलते हैं कुछ करिए साहब, हमारी बात सुनाइए, हमारे जो हमें परेशानी हो रही है इसको दूर करवाइए। 14-14, 15-15 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं। मेरे साथी थे एक, उन्हें कल एक इवेंट में पानीपत जाना था। मुंबई से सुबह निकले 7 बजे के करीब और शाम को इवेंट में पहुंचे, इवेंट तब तक खत्म हो गया था। किसी को कोई परवाह नहीं, ना कैप्टन ने कुछ बताया, ना किसी क्रू मेंबर ने कुछ बताया। सब कहते हैं सब्र कीजिए, सब्र करिए, फ्लाइट जल्द उड़ान भरेगी। जल्दी करते करते आधा दिन बीत जाता है, दिन से रात भी हो जाती है और रात से कई बार सुबह भी हो जाती है। प्लेन में अटके रहे, लटके रहे, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं। एयरपोर्ट पर उतर गए, अब आगे की फ्लाइट का क्या करेंगे? कितने घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगली फ्लाइट मिलेगी भी या नहीं, कोई नहीं बताता कुछ भी। जैसे तैसे दूसरी फ्लाइट बुक भी कर लो ऑनलाइन जाकर, मगर फिर भी घंटों लंबा इंतजार। एक यात्री तो इतना परेशान हो गया कि अनाउंसमेंट करने वाले पायलट पर हमला कर दिया। पैसेंजर को सजा मिल जाएगी, लेकिन हजारों यात्रियों को सिस्टम की वजह से सजा क्यों दी जा रही है? उनकी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा? आज डंके की चोट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से, एयरलाइन कंपनियों से सवाल पूछेंगे। कैंसल है बोलते हैं, फ्लाइट है ही नहीं, जिसे मर्जी जाओ, साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की भी फ्लाइट कैंसल है, कल भी फ्लाइट कैंसल है। चार पांच घंटे वेस्ट करने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है। एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं मिलती, उसमें परेशानी होती है। पीली स्वेटशर्ट पहने जो शख्स इंडिगो की फ्लाइट में पायलट पर पेल पड़ा, उसका नाम साहिल कटारिया। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? साहिल ने जो हरकत की है वो किसी भी लिहाज से ना तो वाजिब है ना ही माफी के लायक। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि फ्लाइट में पायलट से मारपीट की नौबत आखिर आई कैसे।
सिमरन को दिल्ली से स्विट्जरलैंड जाना था। सुबह 6 बजे की फ्लाइट ना छूटे इसलिए देर रात 2 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा पहुंची। लेकिन कभी कोहरा तो कभी क्लीनिंग की बात कहकर फ्लाइट का टेक ऑफ टाला जा रहा था और आखिरकार फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई। तो अलग अलग तरीके से बस कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया। फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हम साफ कर रहे हैं प्लेन को। हर घंटे में ये लोग डिले करते जा रहे थे, 1 घंटा लेट, अब 1 घंटा लेट, 4 बार ऐसा किया। फाइनली 10:30 बजे 11 बजे उन्होंने हमें बताया कि फ़्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, या तो रात को 10:30 बजे जाएगी। बैगेज निकालने में ही उन्होंने 2-3 घंटे लगा दिए कि हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट भी नहीं ले पाए। अराइवल पे आके सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह हो गई, अब वापस भी नहीं जा सकते। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिमरन जैसे हजारों मुसाफिर हैं जिनका सब्र फ्लाइट का इंतजार करते करते जवाब देने लगा है। राजस्थान के जमुना शंकर को जितना वक्त यूरोप से भारत आने में नहीं लगा, उससे ज्यादा सफर दिल्ली से अपने घर जाने में लगने वाला है। हंगरी से दिल्ली आकर जमुना शंकर को उदयपुर जाना था, राजस्थान के उदयपुर, लेकिन दिल्ली उतरने से पहले हवा में ही खेल हो गया, यानी उदयपुर की फ्लाइट कैंसिल और टिकट के पैसे खत्म। तो दिल्ली सुबह यहाँ 9 बजे लैंड करने वाली थी, तो यहाँ लैंड ऊपर 10 मिनट ऊपर आकाश में खड़ी रही, वो वापस ना बोला गया कि सिंगल नहीं दिया, तो वो हैदराबाद में होल्ट, 2 घंटा हैदराबाद में होल्ट रहा। अभी वापस नया टिकट लिया है उदयपुर का, सुबह वो सेम टाइम पे वापस वही है, 10 घंटा बैठने का है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे इस परिवार की फ्लाइट अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सफर की जो शुरुआत फ्लाइट की देरी से हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जाना था मुंबई से अमृतसर, लेकिन एयरलाइंस ने पहुंचा दिया दिल्ली। USA कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस से चढ़े थे, वहाँ भी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी सारी, वो भी 2 घंटे लेट चली। वहाँ अहीं आगे बॉम्बे 4:45 आ गए। अखिल शर्मा आज ही हांगकांग से लौटे हैं 3 घंटे की देरी के बाद। अखिल जब दिल्ली उतरे तो एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सफर के दौरान हुआ सिरदर्द जुबान पर आ गया। फ्लाइट करीब 2 से 2.5 घंटे दिल्ली थी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 24 घंटे पहले पता चल जाना चाहिए कि भाई हाँ फ्लाइट दिल्ली होने वाली है, ताकि घर से भी उसी तरीके से प्लानिंग करके निकले। अखिल, सिमरन और जमुना शंकर जैसे हजारों मुसाफिर आजकल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे, जो महंगे हवाई टिकट की कीमत चुकाने के बाद भी एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दर बदर भटकने को मजबूर है। कोहरे के चलते हवाई सफर तो हमेशा बाधित होता है, लेकिन एयरलाइंस का बेपरवाह रवैया पहले से परेशान यात्रियों की मुसीबत और बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट के टर्मिनल पर उमड़ी भीड़ इसी का सबूत है। उत्तर भारत में कई दिनों से सर्दी और घना कोहरा है, इसी के चलते दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर मुसाफिरों के लिए भी हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। कल दिल्ली में क्या हुआ? कल दिल्ली में यह हुआ कि IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 400 फ्लाइट्स की लैंडिंग और 600 माफ कीजिएगा टेक ऑफ में देरी हुई। घने कोहरे की वजह से 76 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। दिल्ली आने वाली 245 फ्लाइट्स की लैंडिंग कोहरे के चलते देरी से आई, जबकि दिल्ली से 355 फ्लाइट्स का टेक ऑफ भी घंटों की देरी के बाद हुआ। दिल्ली में रविवार को कोहरा इतना घना था कि सुबह 11 बजे तक फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई। करीब 10 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद खराब रही। 50 मीटर दूर तक भी कोई चीज साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी। हंगामा तो चल ही रहा है कई चीजों पर, पैसेंजर्स का भी चल रहा है। कोहरे में इंसान को जो है वो कुछ सूझ नहीं रहा। क्यों नहीं सूझ रहा? क्योंकि सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां साफ दिखाई नहीं दे रही, तो भला भारी भरकम जहाज सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे मुमकिन है उसकी? ये बात सबको पता है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब मौसम विभाग हफ्ते भर का हाल पहले ही बता देता है, कोहरा कब और कितना होगा ये भी जानकारी सामने आ चुकी होती है, तो फिर ये दिक्कत क्यों आती है इस तरह की? तो एयरलाइंस अपने मुसाफिरों तक सटीक जानकारी क्यों साझा नहीं करती? सफर शुरू होने से पहले ही यात्रियों तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंचती कि मौसम के चलते हवाई जहाज उड़ाने की गुंजाइश है या नहीं है? लेकिन एयरलाइंस कंपनियां ऐसा नहीं करती।
दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए एक मुसाफिर ने एक तस्वीर साझा की। फ्लाइट उड़ नहीं पा रही और इन्हें बताया नहीं जा रहा कि फ्लाइट लेट है या कैंसिल हो चुकी है। घंटों तक चल रही इसी गफलत के चलते मुसाफिर इस सर्दी में हवाई पट्टी के पास ही खाना खाने को मजबूर हैं। ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सोचिए इस सर्दी में इन लोगों का क्या हाल होगा। जो कैट 3B का जो सिग्नल था वो ब्लॉक हो रहा था, तो वो कैट 3B रनवे और कई कारणवश हो रहा था। लोग कई लोग कह रहे हैं क्रेन्स की वजह से, कई लोग कह रहे हैं कोई और डिस्टर्बेंस था, तो वो कई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर पाए, उनको डाइवर्ट करना पड़ा। जो कैट 3B लैंडिंग होती है इसको प्रिसिशन अप्रोच और लैंडिंग कहा जाता है, और जब विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब बहुत फॉग होता है या विजिबिलिटी बहुत कम है तो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पायलट्स एयरक्राफ्ट को रनवे के करीब तक लाते हैं, और एक हाइट होती है, अगर उस हाइट तक रनवे नहीं दिखा तो पायलट्स को मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हालात खराब है, तो इस मुगालते में बिल्कुल ना रहिएगा। आजकल देश के कई हवाई अड्डों पर यही हाल है। कोलकाता में रविवार को रात 8 बजे तक कोहरे का असर रहा। कोलकाता आने और जाने वाली 164 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कोलकाता में 45 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी थी। कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि 29 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। चेन्नई में कोहरा नहीं था लेकिन वहाँ भी फ्लाइट्स में देरी हुई। कल करीब 4 घंटे चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित रही। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले पोंगल के अलाव जलने से इतना धुआं छा गया कि चेन्नई जाने वाली 5 से 6 फ्लाइट्स को हैदराबाद डाइवर्ट करना पड़ा। हवाई यात्रियों की ये परेशानी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसा वेदर चल रहा है, जैसा मौसम चल रहा है, अभी 3-4 दिनों तक उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी रहने वाला है। असर जमीन से लेकर आसमान तक पड़ेगा, लेकिन मौसम की मार से होने वाली परेशानी को एयरपोर्ट अथॉरिटीज और एयरलाइन स्टाफ चाहे तो कम कर सकता है। परेशान और फ्लाइट मिस करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधा देकर। वैसे कुदरत पर किसी का जोर नहीं चलता, कोहरा आंधी तूफान किसी को बताकर नहीं आता। याद है ना, 2 दिन पहले ही मुंबई से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट उड़ी थी, लेकिन लैंडिंग कहां हुई? बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट पर। अब गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कोहरा इतना घना था कि पायलट फ्लाइट को उतार ही नहीं सका। तब तो पैसेंजर्स को 12 घंटे इंतजार करना पड़ा। शुक्रवार को ही अमेरिका में भयानक विंटर स्टॉर्म आया था, तब 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, 7,600 डिले भी हुई। अब क्या करें, यात्रियों को सहना पड़ा। इसीलिए सोचना यह है कि ऐसे हालात में क्या किया जाए, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। फ्लाइट है, सिक्योरिटी का रिस्क होता है, इसलिए बस की तरह नहीं है कि अंदर बाहर उतर चढ़ सकें, उसे चला दिया, साइड पर कर दिया। दूसरा सोच ना तो सरकार और ना ही एयरलाइंस कंपनियों की ये होती है कि यात्रियों को किस तरह से दुविधा से बचाना है, ताकि यात्रियों को एक ही फ्लाइट में 12-14 घंटे इंतजार ना करना पड़े। अगर कोहरा है तो यात्रियों को फोन पर पहले से अलर्ट कर दिया जाए कि फ्लाइट का टाइम बदला है, लेट उड़ेगी, इसलिए घर से ही लेट निकले। फ्लाइट हो या एयरपोर्ट, यूं घंटों घंटों प्लेन में बैठकर इंतजार करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि दिक्कत सबको होती है। दिक्कत तो आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की भी बढ़ सकती है। गठबंधन को माया मिली न राम, और नेता भी कहने लगे हैं आखिर हमारा सलाम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नीतीश और लालू की मीटिंग हुई लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं लिखना। इंडिया अलायंस के नेताओं ने अयोध्या नहीं जाने पर बीजेपी ने आक्रमण किया उन पर, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने अंदर ही कलह भी छिड़ रही है। राहुल और प्रियंका के बीच भी दूरियों की खबरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां इंडिया अलायंस के सपनों को मायावती ने पलीता लगा दिया, पानी फेर दिया।
आज मायावती अपने 68वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने आई, ये ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगी, बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती का ये फैसला इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनको डोरे डाले जा रहे थे दोनों तरफ से ही। बात उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है। अगर अलायंस हो जाता तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होती, लेकिन मायावती ना तो इंडिया गठबंधन में जा रही है ना एनडीए में। गठबंधन के हाथ उन्होंने पीछे क्यों खींचा, ये एक बड़ा सवाल भी है। उन्हें दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा नहीं है। अगर गठबंधन पर कर लिया तो वोट शेयर का नुकसान हो जाएगा। आपको याद है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में दो दिन पहले हमने मायावती पर त्वरित सर्वे आपको दिखाया था। हमने पूछा था कि लोकसभा चुनाव में जिस अलायंस के साथ मायावती जाएंगी, क्या उस गठबंधन को यूपी में दलित वोट मिलेंगे। तब 27% लोगों ने कहा था अलायंस वोट मिलेगा, लेकिन 62% लोगों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वोट बंट जाएगा दूसरी पार्टियों में। शायद बहुजन समाज पार्टी ने यह सर्वे देख लिया, वोट ना बंटे, इसीलिए एकला चालो रे इस नीति पर चल रहे। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम वह नुकसान ज्यादा होता है। अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। देश 2024 में विशेष परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतों का उभार है, सांप्रदायिक ताकतों को उभार करने वाला गठबंधन यानी एनडीए चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने वाला, बेरोजगारी का विरोध करने वाला इंडिया गठबंधन है। मायावती जी को तय करना है कि वो आने वाले समय में क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है। देश इस समय राम में है, वैसे राजनीतिक तौर से मोदी में भी है, और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है। सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। माननीय अखिलेश यादव जी एक संस्कारवान नेता हैं, शिष्टाचारी नेता हैं, कौन किसके कहने पे कह रहा है क्या कर रहा है अब इसकी पता नहीं ना, लेकिन हमारे नेता संस्कारवान ने अखिलेश जी के बारे में उनका अपना ज्यादा अनुभव है। वे दो बार गठबंधन हुआ, एक बार मुलायम सिंह यादव जी के पीरियड में, दोबारा अखिलेश यादव जी के पीरियड में, तो वो अच्छी तरीके से उनके बारे में जानती हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर बोलने का काम कर रही है। मायावती यूपी की सियासत का बड़ा नाम है, चार बार सूबे की सीएम रह चुकी हैं, एक बार पूरी मेजोरिटी के साथ तो तीन बार अलायंस बनाकर। लेकिन हाल के चुनाव नतीजे देखें तो गठबंधन वाली सियासत हो या फिर अकेले चलने वाली नीति, उनकी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सवाल है, इस बार मायावती ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया क्यों? 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तब उनकी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी 5 सीटों के साथ सिंगल डिजिट में गई। 2014 में अकेले चुनाव लड़ते हुए बीएसपी का खाता भी नहीं खोला था। हाँ, 2009 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 40-20 सीटें जीतकर अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था।
लेकिन उस जमाने में बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी नाम के सहारे बीजेपी यूपी समेत दूसरे राज्यों में मजबूत होती चली गई और क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती चली गई। बीएसपी का वोट बैंक पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है। गठबंधन में मायावती की पार्टी कुछ सीटों तक सीमित होकर रह गई है। बीएसपी ने कहा था अलायंस में तब शामिल होंगी जब पीएम कैंडिडेट उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन उस लिहाज से मायावती की बार्गेनिंग पार कम है। सिर्फ जाटव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मायावती पर इतना बड़ा दांव खेलने को तैयार नहीं थे अलायंस के नेता। बीएसपी के साथ एक मुश्किल और है, जिन्हें टिकट नहीं मिलता उनके बागी होने के नुकसान और आशंकाएं दोनों ही बढ़ जाती हैं। हो सकता है इसीलिए बीएसपी बीच का रास्ता ले रही हो, ना तो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देना चाहती हो और ना ही इंडिया अलायंस को अकेले बहुत ज्यादा बयानबाजी करना चाहती हो। तो क्या इस अलायंस में जाने वाला चुनाव के बाद का ऑप्शन क्या मायावती अभी खुला रखना चाहती हैं? गठबंधन में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, तो क्योंकि बहन जी में बड़ी ताकत है। जब बहन जी अगर शामिल होंगे तो गठबंधन कहीं नहीं हारेगा। पूरा ही नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, बिना बहन जी के तो अधूरा है सब कुछ। बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन जी के कहने पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो अन्य दल हैं उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं होता। इंडिया गठबंधन को आप फायदे में मान रहे थे क्या? इंडियन देखिए, एक बात समझ लीजिए, अब देश पे राज वही करेगा जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करेगा, जो गरीब जनता की बात करेगा। मायावती जी ने तो पहले भी अकेले लड़ने की हमाकारी भरी थी, और क्या हाल हुआ उनका पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। और हम तो चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए जो शिक्षा पे बात करे और स्वास्थ्य पे बात करे। ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है इसमें कि उन्होंने लास्ट इलेक्शन भी ऐसे ही उन्होंने सोलो मतलब अकेले ही लड़ा था, और वो उनके ऊपर भी वो अंडर प्रेशर है। वो मायावती का अलग होने से इंडिया गठबंधन को थोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हम उसे सपोर्ट करेंगे जो मुसलमानों के हक की बात करेगा। अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन ये इसके मन मनाया जा रहा है कि हमें किसकी सपोर्ट करनी है। वैसे सी वोटर का एक और सर्वे क्या कहता है? कहता है कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से इंडिया अलायंस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। आपको याद होगा, दो दिन पहले ओवैसी की पार्टी के नेता मायावती की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे पीएम फेस के तौर पर उनका सपोर्ट करेंगे। तो क्या मायावती दूसरे छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस के मूड में है? अब कांग्रेस क्या करेगी? वैसे पार्टी के लीडर अभी मायावती पर कुछ भी खुलकर नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक काम और जरूर हो गया है। यूपी कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर्स की लाइन से अलग हटकर भगवान राम की शरण में दिखे। अयोध्या पहुंच गए, मकर संक्रांति के मौके पर सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी अयोध्या में दिखाई दिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। लेकिन रामलला के दर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच में तकरार हो गई। अरे भाई, बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस पार्टी के झंडे को जमीन पर फेंकने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता विरोध करने लगे, उनका विरोध हो रहा था तो वो भी भिड़ गए। इसे सियासी दांव तक बता दिया गया, ये जो आज का सारा उनका कार्यक्रम चल रहा था। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के ये लीडर्स कम से कम यूपी की जनता के सामने राम नाम के साथ दिखना चाहते हैं। अजय राय तो ये कह चुके हैं कि अयोध्या जाने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है, और उनका प्रोग्राम तो पहले से तय था। मगर सवाल है कि इंडिया अलायंस के बाकी लीडर्स क्या करने वाले हैं, क्योंकि न्योता तो करीब करीब सभी को मिल चुका है। अखिलेश यादव को चंपत राय ने न्योता दिया, लेकिन उन्होंने कहा 22 जनवरी के बाद जाएंगे। नीतीश कुमार को इनविटेशन मिल चुका है, मगर उनका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली में अब हर मंगलवार बड़े पैमाने पर सुंदरकांड करवाया जाएगा। सब लोग मकर संक्रांति का दर्शन करने का था, दर्शन किए, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी मना नहीं किया। जिसको जाना है जाके दर्शन करे, और आस्था हमारी आस्था है, हम आए हैं दर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है राम सबके हैं, राम सब में है,
और हम अपनी आस्था के प्रतीक श्री राम का दर्शन करने आए हैं। सियावर रामचंद्र की जय, हम सब लोग बोलते रहे हैं बचपन से। जो हमने डिसाइड किया है वो ये है कि 22 तारीख के फंक्शन में हम नहीं जाएंगे। आज संक्रांति का इतना शुभ दिन है और रामचंद्र जी का दर्शन करने में क्या बुराई है हमारे लिए। हम तो उस मैं समझता हूँ कि उस संस्कृति से आते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं एक दूसरे को। मैं उस वर्ग से आता हूँ, मजदूर और किसान वर्ग, जहाँ कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर हल खेत में अगर हम लगाएं तो भगवान कहते हैं लेके राम का नाम। सुंदरकांड अगर आम आदमी पार्टी करा रही है तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इसमें एतराज की क्या बात है, इसमें तो अच्छी बात है, उनको तो आना चाहिए, बल्कि उनको हिस्सा लेना चाहिए इसके अंदर। पार्टी अयोध्या जाने की तैयारी में नहीं है फिलहाल? नहीं नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट अरविंद जी तो पहले ही अयोध्या होके आ चुके हैं। धन्यवाद है अयोध्या वालों का जिन्हें निमंत्रण दिया है। ये तो ऐसी भावना वालों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए बोलने की जरूरत भी नहीं। कई जगह हमको जाना नहीं जाना ये हमारी भावना होता, लेकिन सार्वजनिक रूप से निमंत्रण ठुकराना ये इतिहास की कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती होगी। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन राम न्योते पर सियासत से अलग कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल चुके हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन से मणिपुर में चल रही है। मणिपुर रहने के बाद अब नागालैंड में प्रवेश कर चुकी है। 2 दिन में 257 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 जिलों को कवर करके राहुल गांधी लोगों के बीच चल रहे हैं और जब मौका मिलता है केंद्र सरकार पर मौका देखकर हमला भी बोलते हैं। राहुल ने कहा मणिपुर से यात्रा शुरू करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि सभी को यहां रहने वालों की तकलीफ का अंदाजा लग सके, लेकिन इसी दौरान यात्रा में प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा राहुल और प्रियंका के बीच टकराव अब सबके सामने है। प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। इसी बात को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने मीडिया के सामने आकर ये कह दिया और ये बयान तब आया जब एक दिन पहले ही मुंबई में मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर छिंदे वाली शिवसेना ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के अंदरूनी टकराव पर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? जब वोट लेना होता है तो आप मणिपुरी कपड़े पहन लेते हो, मणिपुर के लोकल फॉक देखते हो, और जब मणिपुर जल रहा था आप नहीं गए। ये देश के इतिहास में कैसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे कि देश का हिस्सा जलता रहा, प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए। कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा है जो गांधी परिवार को साइड करना चाहता है। प्रियंका जी को साइड कर दिया है, करने की कोशिश हो रही है। अब मुझे बताइए प्रियंका गांधी इससे बड़ा कोई लोकप्रिय नेता है? इंडिया गठबंधन के बहुत से हमारे सहयोगी, उनका निशाना भी बीजेपी कम है, गांधी परिवार ज्यादा। कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से जब से वो राजनीति में, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं, लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। अब जहां तक लॉन्चिंग की बात है तो आज बीजेपी ने भी अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। पार्टी के कई नेताओं ने दीवार लेखन यानी वॉल राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर असम के चीफ मिनिस्टर तक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में पतंगबाजी की। उनके तेवर से लगा कि लोकसभा चुनाव में सीटों की उड़ान का हिसाब लगा रहे थे, यानी तैयारी इंडिया अलायंस की भी है और बीजेपी के साथ साथ रीजनल पार्टीज की भी। फैसला तो जनता को करना है क्योंकि वोट की पावर उन्हीं के पास है। हाँ, इतना जरूर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की सियासी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। गुरु बिना ज्ञान नहीं,
लेकिन अगर गुरु को ज्ञान ना हो तो वो क्या पढ़ाएगा। बिहार में एक दिन में 1,22,000 से ज्यादा टीचर्स को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से ये शुभ काम किया और क्रेडिट भी लिया उसका। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया उन्हें बिहार के बारे में ही पता नहीं। बिहार में बंपर नौकरियां देने वाले सिस्टम को आज ऐसे ही ज्ञान से अनजान अध्यापकों से हम पब्लिक इंटरेस्ट में मिलवाएंगे। खचाखच भरा पटना का गांधी मैदान, मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डेप्यूटी सीएम और आला अफसरों का मजमा लगा है। मौका, बीपीएससी में सिलेक्ट हुए टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर बांटकर सियासत चमकाना भी है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने मंच पर माइक संभाला और लगे हाथ खुद की पीठ ठोक डाली। 2 महीने के अंतराल में लगभग 2 लाख से ज्यादा 2,17,000 लोगों को आपके नेतृत्व में नियुक्तियां बांटी जा रही है और नियुक्ति के बदले कुछ लोग नफरत बांटने में लगे हुए हैं। आज हमारा राज्य जहां नियुक्तियों का अंबार खड़ा कर रहा है। मंत्री जी अभी बोल ही रहे थे, सामने नवनियुक्त बीपीएससी टीचर बैठे तालियां बजा रहे थे। ज्वाइनिंग लेटर लेने सब बारी बारी से मंच पर आए। बिहार में नौकरी की बहार है, लेकिन नौकरी पाने वाले नवनियुक्त अध्यापकों का सामान्य ज्ञान कैसा है, हमें लगा लगे हाथ इसको भी जांच परख लेना चाहिए। इनसे मिलिए, नाम है निधि, वैशाली की रहने वाली है, आज ही टीचर बनी है और बगल में एक और साथी खड़ी है, ज्वाइनिंग लेटर इन्हें भी मिला है, दोनों अब बच्चों को पढ़ाएंगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर। मेहनत तो करनी पड़ी। जी जी। अच्छा, बिहार में टोटल कितने जिले हैं, आइडिया है इसका? 38 जी। मेरा घर वैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को। लोकसभा सीटें हैं बिहार? बिहार में 40। बहुत उम्दा, दोनों पास हो गए। तो क्या और भी इतने ही होशियार टीचर हैं? ये दीपशिखा है, पटना की है और शेखपुरा में पोस्टिंग मिली है। सरकारी नौकरी लगी है इसलिए चेहरे पर गजब की खुशी है। सहेली भी साथ में खड़ी है, दोनों बिहार के बारे में कितना जानती हैं, चलिए इनका भी टेस्ट लेते हैं। नव नियुक्त शिक्षकों को नौकरी मिल जाएगा? कभी नहीं सोचे थे। बिहार के गृह मंत्री कौन है? नहीं पता, किसी भी राज्य में नहीं देखा कि ऐसी नियुक्ति हो। हमें अभी तो ये नवंबर में ही हमने फॉर्म डाला था, दिसंबर में हमारा एग्जाम हो गया और जनवरी में हमें नियुक्ति पत्र भी मिल गया। इतनी जल्दी सिर्फ ये नीतीश कुमार के ही मतलब राज्य में पॉसिबल हो पाया है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, है जानकारी? नहीं, इसके बारे में अभी जानकारी, नीतीश कुमार ही थे पहले मुख्यमंत्री। बिहार के हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। गजब है, अजब है, सीएम साहब ऐसे टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या सिखा पाएंगे, अंदाजा आप ही लगा लीजिए। भीड़ में लखीसराय से आई रुचि कुमारी भी खड़ी है। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई कि सामान्य ज्ञान का परीक्षण लेने वालों के भी तोते उड़ जाएं। ये कितना जानती है, सिस्टम भी कान खोल कर सुन ले जरा, इतने काबिल नगीने उसी ने छांटे। कैसे तैयारी करती थी, क्या कुछ करती थी, थोड़ा बताइए, क्योंकि आगे भी परीक्षा होगी तीसरे चरण की, चौथे चरण की, तो उन अभ्यर्थियों को भी आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, एनसीईआरटी फोकस करना होगा और बीपीएससी के लिए एससीईआरटी भी फोकस करना होगा, थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा तो जाकर के एग्जाम क्लियर हो सकता है। देश के सहकारिता मंत्री कौन? सहकारिता मंत्री सर माननीय नीतीश कुमार जी हैं। है कोई मजाक की बात, इनके लिए तो सीएम नीतीश कुमार ही सब कुछ है, इतिहास भी और वर्तमान भी। रही बात सहकारिता मंत्री की, तो वो कौन है, कहाँ पोस्टेड है, कौन इतना दिमाग खपाए, रुचि को ये सब बताने में ज्यादा रुचि नहीं है। ये पारुल वर्मा है, बिहार में बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगी, लेकिन इनकी पकड़ पढ़ाई पर कितनी मजबूत है, सुनेंगे तो आप माथा जरूर पकड़ लेंगे। जितना अभी तक मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है तो वो सब ज्ञान मैं अपने बच्चों में भी देना चाहती हूँ। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इसका आइडिया? सर अभी नो आइडिया, एक्चुअली मैं जीके नहीं, मैं संस्कृत विषय से हूँ ना, तो इसलिए मैं संस्कृत पे फोकस ज़्यादा करती हूँ।
वैसे सूबे में नौकरियों को लेकर खूब सियासत हो रही है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक खुद पर नाज कर रहे हैं। नौकरियां इतनी दी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। खुद की पीठ थपथपाई जा रही है और विकास की गूंज दिल्ली को सुनाई जा रही है। बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। बिहार मॉडल के बूते मंत्री जी दूसरे सूबों को सिखा रहे हैं, लेकिन जो टीचर नियुक्त किए हैं वो पढ़ाने में कितने माहिर होंगे आपने देख ही लिया। बराए मेहरबानी मंत्री जी गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिस्टम को अपनी बुद्धिमता का प्रमाण देने के लिए कैमरे पर 2 और नवनियुक्त टीचर आ रहे हैं। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि इनके सामान्य ज्ञान से धड़कने बढ़ सकती है। बिहार के बारे में कुछ बताना चाहिए, बताइए। हम उतना कुछ अभी बोल नहीं सकते। बिहार में आप शिक्षक बनी है, कुछ बताना चाहेंगे? मेरा भी कुछ न्यू एक्सपीरियंस है। बिहार के बारे में इनको जानकारी नहीं है, बोली मैं न्यू हूँ। मेहनत तो बहुत ही लगता है हम लोगों को। मुझे लगता है कि मैंने 3-4 सालों से लगातार पढ़ाई कर ही रही थी। बिहार के राज्यपाल कौन है मालूम है? यस सर, बिहार के राज्यपाल का नाम, हाँ सर। बिहार से है, बीपीएससी क्लियर किया है, सरकारी नौकरी मिल गई और बिहार के बारे में नहीं जानती। बहुत बेइंसाफी है साहब, लेकिन सिस्टम तो सख्त है। सीएम नीतीश कुमार खुद कहते हैं काबिल लोग ही बिहार में पढ़ाएंगे। वो 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी, जान लीजिए 10 लाख नहीं, 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। हम लोग तो अपना काम करते हैं, हम लोग दुष्प्रचार नहीं करते। आप अपनी जगह ठीक है, आपने थोड़ा एक एक करके टेस्ट लिया होगा। खैर छोड़िए, अभी पिक्चर बाकी है। गांधी मैदान के एक शोर पर ज्वाइनिंग लेटर संग सेल्फी लेती ये हैं कामिनी। सेल्फी तो ठीक, लेकिन सामान्य ज्ञान ठीक है या नहीं? 2 महीने आप तैयारी करें और आपको नौकरी मिल जाती है, वो भी अच्छे सरकारी नौकरी मिल रही है ना। और बिहार के नगर विकास आवास मंत्री कौन है, इसकी जानकारी? जी बिहार में नगर विकास आवास मंत्री कौन है? जी नहीं, थैंक यू। लीजिए, रंगे हाथ आजमगढ़ से आए सुनील जी से भी मिल लीजिए। सालों बाद टीचर बनने का सपना साकार हुआ है, गदगद हैं। इनका ज्ञान क्या कहता है, लगे हाथ इनकी भी टेस्टिंग हो जाए। बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है? जी अभी तक तो के पाठक जी थे, लेकिन मौके से वैद्यनाथ। चलिए, हर चीज का सबको पता नहीं भी होता, लेकिन अपने सूबे के बारे में तो बच्चे भी जानते हैं, और जो सवाल पूछे गए उनके जवाब तो कोई बच्चा भी वैसे दे ही सकता था। बिहार में कितने टीचरों की भर्ती हुई अब ये आपको बताते हैं। 3 महीने में 2,16,000 टीचरों को नियुक्ति दी गई है। वहाँ पर दावा है कि इसमें 51% महिलाओं की नियुक्ति की गई है, बहुत अच्छी बात है। सरकार का लक्ष्य 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। महफिल लूटने वालों की कमी नहीं है। बिहार में RJD और JDU के बीच ही नौकरी का क्रेडिट लेने की जबरदस्त होड़ है। शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिन के अंदर एक ऐसा मिसाल, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि समय सीमा के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र युवाओं के कंधे पर जाली जिन लोगों ने BPSC परीक्षा पास किया। बिहार साक्षरता के मामले में आखिरी नंबर पर है। शिक्षा में बिहार आगे बढ़े, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए काबिल टीचर होने जरूरी हैं, क्योंकि टीचर अच्छा होगा तो बच्चों का बेस क्लियर हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, बुनियाद मजबूत हो जाएगी। और जिन टीचर का अपना ही बेस क्लियर नहीं है, वो बच्चों के ज्ञान की नींव क्या मजबूत करेंगे। सिस्टम को सोचना होगा इनके बारे में। चलिए ब्रेक के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने गुना के स्कूल की बदहाली की खबर आपको दिखाई थी, ये मुद्दा उठाया था, ये हमारा फर्ज था, लेकिन भिडरा गांव के प्राथमिक स्कूल के अच्छे दिन किसकी वजह से आए, वो किरदार कौन है,
ये भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार था क्या स्कूल में, हम आपको स्कूल की पुरानी और ताजी दोनों तस्वीरें दिखाएंगे। हमने ये आपको दिखाया था 12 जनवरी को कि कैसे स्कूल के अंदर मवेशी बंधे हुए थे और बच्चे जो हैं वो बाहर ग्राउंड में पढ़ रहे थे, याद है ना, 12 जनवरी मध्य प्रदेश के गुना के खस्ता हाल स्कूलों की खबर आपको दिखाई थी। भिडरा गांव के प्राथमिक पाठशाला में गौशाला चल रही थी और पब्लिक इंटरेस्ट में जो बच्चे थे उनकी आवाज़ हम बने, खबर का असर हुआ। खबर चलने के एक घंटे के अंदर ही सिस्टम हरकत में आया, 3 जेसीबी गुना के भिडरा गांव भेजी गई, स्कूल कैंपस में पड़े कचरे को रातों रात साफ करवाया गया, पूरे स्कूल को वाइट वॉश करवाया गया, अब स्कूल शानदार क्लासेज में बदलकर वहाँ पढ़ाई चल रही है। खबर चलने से पहले ये स्कूल कैसा था मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर 12 जनवरी की है और हालात देखिए स्कूल के। स्कूल के ग्राउंड में गाय भैंस का कब्जा है, जगह जगह जानवर बैठे हुए हैं, हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। और दूसरी तस्वीर आज की है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर सफाई हो चुकी है, जो गंदगी थी वो साफ हो चुकी है, पूरे स्कूल का कायाकल्प कर दिया गया है। तो इस संबंध में तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स को राजस्व विभाग की टीम के साथ भेजा गया, तो जिनके द्वारा तत्काल स्कूल की पूरी साफ सफाई करवा दी गई है और पूरा अतिक्रमण वहाँ से हट गया है और स्कूल पूरे व्यवस्थित हो चुका है और अभी वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है। हमने गुना के स्कूलों का मुद्दा उठाया, वहाँ की गंदगी दिखाई, चलो ये हमारा फर्ज था, लेकिन भिडरा गाँव के प्राथमिक पाठशाला के अच्छे दिन किसकी वजह से आए, वो किरदार कौन है जिसने खबर को गंभीरता से लिया और बिगड़े सिस्टम पर रातों रात एक्शन भी लिया, वो कौन है? वो है गुना के कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस, उनको ये क्रेडिट जाता है। अमनवीर 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह के बेटे हैं। गुना से पहले अमनवीर बैंस बैतूल के कलेक्टर थे। बड़ी शानदार काम उन्होंने किया है। जब हम गुना के स्कूल की शिकायत लेकर डीएम के पास गए थे तो उन्होंने ये कहा था हमारे संवाददाता थे कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिली थी। अमनवीर बैंस का एक्शन बताता है कि अगर वाकई उन्हें ये जानकारी होती तो पाठशाला में गौशाला कतई न चलने देते। मामला संज्ञान में आया और फौरन मसले का हल कर दिया। ऐसे अफसरों पर हमें नाज है, ऐसे अफसर हमें हर जिले में चाहिए। सिस्टम तभी सुधरेगा अगर ऐसे अफसर खड़े होकर समस्या का समाधान करने लगेंगे। वैसे पब्लिक इंटरेस्ट में समस्या बताने के लिए तो हम हैं, लेकिन अमनवीर जैसे अफसर हर जिले में खड़े हो जाएं, उसको ठीक कर दें तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। नवंबर के महीने में अवैध माइनिंग के खिलाफ हमने एक मुहिम चलाई थी, आपको याद होगा। उसी मुहिम के खुलासे पर पंजाब में खनन मंत्री का पोर्टफोलियो छिन गया था। दरअसल पंजाब के रोपड़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने ड्रग स्मगलर जगदीश भोला की जमीन जब्त की थी और खनन माफिया ने इसी जमीन को कई कई फुट तक खोद डाला, रेत वहां से निकाल ली। गजब की बात तो ये थी कि इतनी लंबी खुदाई होने के बावजूद ना पुलिस को पता चला, ना प्रशासन को, ना माइनिंग विभाग को, ना मंत्री को और ना ही किसी दूसरे महकमे को। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा हुआ तो पंजाब की राजनीति में हंगामा हो गया। देखो, माइनिंग मैं नहीं कहता पहले बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जब ये सरकार इलेक्ट होनी थी इन्होंने कहा था कि हम तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपया, मेरा ख्याल है कि पिछले पौने दो साल में शायद 100 करोड़ के आसपास ही आया होगा। इलीगल माइनिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने कोर्ट कमीशन जो लगाया है कि जो नेक्स्ट डेट से पहले पहले पूरी असेसमेंट करके रिपोर्ट देगा। अब इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है जो रोपड़ में माइनिंग का निरीक्षण करके हाई कोर्ट को रिपोर्ट देंगे। और उधर दिल्ली में नवजोत सिद्धू की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पंजाब सरकार और रोपड़ के डीसी को नोटिस जारी कर दिया है। ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो ना सिर्फ हमारी एनवायरमेंट बट हमारी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर, स्टेट की कॉस्ट पे अपने घर भरने का 630 करोड़ का कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो पंजाब सरकार के ऊपर लगाई हुई है उसमें से एक पाई भी उन्होंने दी नहीं।
हम बात कर रहे थे कि कैसे कुछ अच्छे अफसर होते हैं जो स्कूल को ठीक करवाकर और हम जैसे लोगों की बात सुनकर जनता की दिक्कत दूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अफसर भी होते हैं जो व्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं, अपने औहदे का रौब दाब गरीबों पर झाड़ रहे हैं। खबर ये भी मध्य प्रदेश से ही है, लेकिन ये गुना से नहीं देवास की है। यहाँ एक तहसीलदार साहिबा हैं, नाम है अंजलि गुप्ता। मैडम पर किसानों को हड़काने का इल्ज़ाम लगा है, उनकी हरकत का वीडियो वायरल भी हो रहा है। मामला देवास के सोनकच्छ तहसील के गांव कुमारिया का है। किसान तहसीलदार के सामने अपनी समस्या लेकर गए थे, लेकिन मैडम छोटी सी बात पर उन पर बिगड़ गई। चलिए अफसरों से निकलकर अब चलते हैं पब्लिक कमेंट्स पर। आपने क्या कुछ लिखा है हमारी खबरों पर कल की दिखाते हैं। संजीव लिखते हैं, यही अच्छा काम किया केजरीवाल ने कि दिल्ली में उसने सरकारी स्कूल को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। ये मध्य प्रदेश के स्कूलों को लेकर कमेंट किया संजीव। गुना के स्कूल भी चमक गए, अभी आपने थोड़ी देर पहले खबर देख ली ना। मनोज क्या लिखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए बिल्कुल देखेंगे, पढ़ना चाहिए, इतनी मेहनत हो रही है तो। खैर अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, आपकी मुद्दों के साथ, आपकी खबरों के साथ।